लव यू बाबू। लव यू शोना। अच्छा अब ये सब छोड़ो, मेरे बेवकूफ हस्बैंड को कॉल करो और उसको बताओ कि तुमने मुझे किडनैप किया है और पैसे मांगो। हाँ ठीक है। ओए ये देख तेरी बीवी मेरे कब्जे में है, और अगर जरा से भी चालाकी करने की कोशिश की तो ये जान से हाथ धो बैठेगी। तो जल्दी से मेरे अड्डे पे 20 लाख रुपए लेके पहुंच जा। ओए तू चुप रह, और सुन किसी को कानो कान खबर नहीं लगनी चाहिए, वरना ये पहुंच जाएगी ऊपर। आजा जल्दी से। और हाँ जब तक वो आता है तब तक हम थोड़े मजे कर लेते हैं। गुड आइडिया। आ जाओ। आ गया मजनू अपनी लैला को लेने। तुझे पैसे चाहिए था ना, ये पैसे पकड़ और मेरी बीवी को छोड़। हाँ हाँ छोड़ दूंगा छोड़ दूंगा। कितने पैसे हैं इसमें? जितने बोले थे उतने ही हैं। तुझे पैसे चाहिए था ना, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुझे। तेरे को पता है ना मैं कौन हूँ, मेरे से पंगा लेना भारी पड़ जाएगा। तू इसको मारना चाहता ना, मार, मैं भी देखता हूँ। मार मार इसको, मार अपनी गर्लफ्रेंड को। हाँ तेरी गर्लफ्रेंड को। ओए ये क्या बोल रहा है तू? तुझे पैसे चाहिए थे ना, तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। मुझे तुम्हारा ड्रामा सब पता चल चुका है। पर कैसे? मैंने तेरे व्हाट्सएप अपने लैपटॉप में लॉगिन किया हुआ था और मैंने तुम दोनों की सारी चैटें पढ़ी हुई हैं। धैर्या कल कहाँ गई थी तुम? बताया तो था पार्टी में जाना है। पार्टी में किसके साथ? फ्रेंड्स के साथ। फ्रेंड्स के साथ कितने लोग थे? हम 6 लोग। 6 लोग। अच्छा तुम्हारा सही है यार, तुम पार्टियां करती हो, मैं यहाँ ऑफिस में बिजी रहता हूँ। मैंने तो आपसे भी पूछा था पर आप बिजी थे। तो इस बार पक्का मुझे पार्टी में ले जाओगी? हाँ पक्का। पक्का डन? हाँ पक्का। ठीक है मैं भी पार्टी में चलूंगा तुम्हारे साथ। मैं पानी पी के आती हूँ। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, एक शादीशुदा होके एक बॉयफ्रेंड के साथ अफेयर चला रही हो। अफेयर तो अफेयर, अपने पति को पागल बना रही हो, पैसे ऐंठने की पूरी प्लानिंग कर रही हो। और क्या कह रही थी तुम, मैं अपनी फ्रेंड के साथ वेकेशन पे जाऊंगी, ये है तुम्हारी फ्रेंड? प्लान तो तुम्हारा बहुत अच्छा था लेकिन पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे को तुम्हारी प्लानिंग पूरी पता चल चुकी है। अब तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म। मेरी बात तो सुनो। तू अपने आशिक के साथ कर रही आशियां, मेरे को तेरे साथ नहीं रहना। देते।